तारीख को आपने रायगंज पहुंचना है। रायगंज किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं ये भुलुओं को एक छोटा सा मेरी मुतबाना सी रिक्वेस्ट है, मान जाएं, लेकिन कोई शरारत ना करना क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, 30 सितंबर को रायविंड के मैदान में नून बमुकाबला जुनून होने जा रहा है और जिस तरह हुक्मरान जमात ने तहरीक इंसाफ के जलसे के जवाब में एक डंडा बरदार फोर्स तैयार की है, उससे खदशा ये पैदा हो गया है कि रायविंड जलसा कहीं दंगा फसाद जलसे में ना बदल जाए। सवाल यह है कि क्या पीटीआई ने कहीं से भी ये तासुर दिया है कि वो रायविंड जाकर शरीफ खानदान की रिहाइश गाहों पर हमला करने वाले हैं, जो नून लीग ने अपनी निजी मलेशिया फोर्स तैयार करना शुरू कर दी है। याद रहे कि किसी भी तरह की निजी मलेशिया बनाना आईन की खुली खिलाफ वर्जी है। पुरम ने एहतजाज करना, ये सब जानते हैं कि हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन उससे निमटने के लिए मुसल्ला जत्थे तैयार करना क्या मॉरलटाउन सानेह जैसे किसी और वाकये को जन्म देने की पेशबंदी नहीं? मरियम नवाज की एक ट्वीट के सिवा मुश्तइल कारकुनों के जज्बात को ठंडा करने की कोई भी कोशिश नून लीग की क़यादत की जानिब से हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन ट्विटर भी क्या करे, इससे एक आम कारकुन को क्या सरोकार। इसके जवाब में आज गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने भी बल्ले उठाकर नून लीग की इस फोर्स का मुकाबला करने का ऐलान किया है। रायविंड मार्च के ऐलान के बाद मुल्क का सियासी पारा जिस तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इससे हमारी सियासी क़यादत की बसीरत पर सवालात नहीं उठेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह के बैरूनी और अंदरूनी खतरात से दोचार है, वहाँ एक मामूल के सियासी एहतजाज को यूं जिंदगी और मौत का मसला आखिर क्यों बनाया जा रहा है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक़वामे मुत्तहदा के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो चुके हैं, जहां वो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कश्मीर के मसले पर सख्त लफ्जी जंग होने की भी तवक्को है और ये भी तवक्को की जा रही है कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज इस मौके पर कश्मीर में रिवायती हठधर्मी दिखाने के साथ साथ बलूचिस्तान का मसला उछाल कर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करेंगी। उधर मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में 17 भारतीय फौजी जान बहक हो गए हैं, जिसका तमाम हस्बे मामूल बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया है। अब सवाल यह है कि 2 महीने से तो भारतीय अफवाज कश्मीर में मजालिम ढा रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा कश्मीरी शहीद और दर्जनों अपनी बेनाई गंवा चुके हैं और बहुत से माजूर हो चुके। अब जबकि अक़वामे मुत्तहदा का इजलास सर पर है, तो यकायक भारतीय फौजियों पर हमला भी हो गया और हलाकतें भी हो गई। क्या ये कोई नई भारतीय चाल है कि मजलूम कश्मीरियों से दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके? क्या ये कोशिश है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक़वामे मुत्तहदा में ना कश्मीर उठा पाए और ना ही बलूचिस्तान के मसले पर जो भारतीय मदाखलत है इस पर बात कर सकें? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। लॉ स्टूडियोज में मेरे साथ सीनियर तजियाकार हसन अस्करी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। कराची से जफर हिलाली साहब हैं और इस्लामाबाद से पीटीआई के रहनुमा फैजुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया, खान साहब ने, कि 30 को उन्होंने कहा कि सब लोग रायविंड पहुँचे। हमने 2-3 दिन से मीडिया पर देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग जिस तरह डंडे लेकर टीवी स्क्रीन्स पर हमें नज़र आ रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की उनकी क़यादत की गैर संजीदगी नहीं है? किस तरह उनके लोग किस तरह निकल कर मैसेज दे रहे हैं ये जो रायविंड मार्च है कि दंगा फसाद ना इसमें बदल जाए? देखिए, ये हुकूमत के मुफाद में नहीं है कि उनकी पार्टी के लोग जो हैं इस किस्म के रवैये को अपनाएं जिससे कि उस दिन कोई झगड़ा होने का जो है वो खतरा हो जाए। वैसे एक तरफ तो जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन जो जुबान इस्तेमाल हो रही है वो गैर जमहूरी है। जो हरकतें की जा रही हैं कि डंडे लिए खड़े हैं, एक गंडासा लिए खड़ा है और अब आज इमरान खान की पार्टी ने बल्ले घुमा दिए, तो ये जो अगर टेम्पो को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो उस दिन खतरा वॉयलेंस का होता है। और एक चीज जो समझ लेनी चाहिए कि अगर पब्लिक जलसे में वॉयलेंस हो तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा अगर लॉ एंड ऑर्डर में वो चीज कन्वर्ट हो गई
तो मेरा ख्याल यह है कि नवाज शरीफ हुकूमत की या शहबाज शरीफ हुकूमत की जो पंजाब में है उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और मुस्तकबिल में जो किधर को सियासत जाएगी उसके बारे में भी बहुत से शकूक और शुबहात वाज़े तौर पे हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है ज़फ़र इलाही साहब, सादे है मॉडल टाउन पर लोगों को अभी तक इंसाफ मिल नहीं पाया, एक और दंगे फसाद की तैयारी की जा रही है जिसकी शुरुआत हमें मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से जब वो डंडे लेकर टीवी स्क्रीन पर हम सबके सामने नजर आए हमें पता चला कि क्या तैयारी की जा रही है इनके रायविंद मार्च पर जवाब देने की। क्या हुकूमत को इस तरह के कोई इकदाम नहीं करने चाहिए कि पुरम तौर पर उन्हें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, अपने लोगों को पुरम रहने का कहा जाए? मरियम नवाज साहिबा ने तो ट्वीट कर दिया कि लोग अपने जज्बात पर काबू रखें, लेकिन ट्वीट हर एक की पहुँच में नहीं है, एक आम आदमी की पहुँच में ट्वीट नहीं है, वो ट्विटर नहीं देखता है, सोशल मीडिया यूज नहीं करता, तो बाकायदा तौर पर आपने समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत को, इनकी आला जो हुक्मरान हैं, आला जो लोग हैं इनकी क्यादत को, उनको सामने आना चाहिए, टीवी स्क्रीन के जरिए मैसेज देने चाहिए कि उस दिन कोई भी इस तरह का कदम ना उठाया जाए जो इन लोगों के लिए अपने लिए नुकसानदेह साबित हो। शाज़िया, आपने एक लफ्ज गैरत शायद इस्तेमाल किया था, गैरत है ही नहीं। और इमरान खान देखिए, ही इज बीन ड्रिवन टू डेस्परेशन। अगर आपको कत्ल के बाद इंसाफ नहीं मिलता, फ्रॉड का इंसाफ नहीं मिलता, माफ करिए ये बड़ी अच्छी चीज की है, आखिरी देखिए इसके बाद कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं पाकिस्तान में, माफ करिए, अगर नवाज शरीफ साहब कैन गेट अवे विद मर्डर और अगर नवाज शरीफ साहब कैन गेट अवे विद फ्रॉड ऑन अनपैरेलल्ड स्केल, अनइमेजिनेबल स्केल, तो फिर कुछ रहा नहीं है, बेहतर है कि एक आदमी कहे कि सियासत में ना इधर इंसाफ है ना अकाउंटेबिलिटी है, कुछ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अगर ये नाकाम हो गया ना तो ये बड़ा अच्छा होगा इन अ सेंस कि इसको इसके बाद छोड़ देना चाहिए पॉलिटिक्स। और मैं नहीं समझ सका अगर ये नाकाम अगर हो गया इमरान खान, आई डोंट थिंक ही कैन स्टे इन पॉलिटिक्स, और मेरे ख्याल में उसको वाकई उसको डिफीट मांग के चले जाना चाहिए। आपके नजदीक रायविंद मार्च की कामयाबी का पैरामीटर क्या है? आप इसको किस तनाजुर में इस कामयाबी को देख रहे हैं? आप कह रहे हैं अगर वो नाकाम हो गया तो उसको पॉलिटिक्स से आउट हो जाना चाहिए, आपके नजदीक कामयाबी का पैरामीटर क्या है रायविंद मार्च का? बिल्कुल अच्छी बात, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि नंबर वन, अगर वो केस चला नहीं, जो कत्ल का केस है मॉडल टाउन के, अगर वो केस डिड नॉट मूव, अगर वो इंसाफ की तरफ नहीं चला, माने कोर्ट हियरिंग शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, केस शुड बी हर्ड, अगर वो नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पैनामा लीक्स में एडमिट करके शुरू नहीं किया, तो मेरे ख्याल में इट्स ऑल ओवर, उसके बाद तो इट्स फिनिश्ड। आई मीन इसके बाद ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये स्टेट नहीं है, ये है क्रिमिनल एंटरप्राइज। मुझे बात मानिए मेरी बात कि जब यू कैन गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ क्राइम इट हैज टू बी अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, तो क्या फायदा पॉलिटिक्स में रह के? ये साहब जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कि ये क्या कर सकते हैं इसके बाद जब इनको पता है कोई इदारा इनको इंसाफ नहीं देता है, फिर क्या करेंगे आप मुझे बताएं? चलिए आपके सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। चौहान साहब, सुना है आपने सवाल, क्या करेंगे इसके बाद अगर कामयाबी ना मिली तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ज़फ़र हलाली साहब ने जो बातें की हैं मैं ये समझता हूँ 100% दुरुस्त है। हम स्पीकर असम्बली के पास गए, हम नैब के पास गए, हम FIA के पास गए, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हम हर एक के पास गए, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो बात वही एक है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 800 रुपये लीटर आंसू और 400 रुपये किलो गम, नवाज शरीफ जी बताओ कहाँ पर जाएँ हम, सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज़, आप मुझे ये बताएं हमने कब कहा कि आवाम के टैक्सों के खून की टैक्सों की जना खून पसीने की कमाई पे बनने वाला जो जाति उम्रा का महल है हम उसके कुछ शीशे तोड़ने जा रहे हैं, हम उसकी दीवारें तोड़ने जा रहे हैं, हम उन महलात को गिराने जा रहे हैं? 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने क्या मुजाहरा नहीं होता? क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट के घर के सामने मुजाहरा नहीं होता? क्या जर्मनी के चांसलर के घर के सामने मुजाहरा नहीं होता? क्या व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा नहीं होता? अब इसका जवाब PTI उसका नून लीग का स्पोक्समैन या आप भी ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि भाई फिर आप जाओ जाके इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, तो उसका जवाब ये है जनाबे वाला, पाकिस्तान के अंदर 10-10 घर हैं कि जिनको सरकारी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस और कैंप जो है ना उनका घर करार दिया हुआ है। 36 करोड़ रुपया जाति उम्रा के महल पे
सालाना बजट है पंजाब हुकूमत का, उसकी लुक आफ्टर का। जब टैक्सों की कमाई का पैसा अपने घरों पे खर्च करना हो तो मीठा मीठा हब हब। जब उन टैक्सों को जिन लोगों से लिया गया है वो लोग अपने टैक्सों का हिसाब किताब मांगने के लिए उन घरों की तरफ रुख करें तो कहें थू 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 थू, कहें इखलाकियात नहीं है, कहें चलें ये सब बातें एक तरफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाबे वाला, बजा फरमाए बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वहां घर में भी देखे ना जरा, ज्यादा नहीं। आप बड़ी एक बड़ा मार्च करने जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आज खान साहब ने तारीख का भी ऐलान किया। आपके जो अपने पार्टी के अंदरूनी मसाइल हैं, अंदरूनी इख्तलाफात है, एक बहुत बड़ा मसला है जागीर तरीन के खिलाफ जो एक, एक, एक जज्बात लोगों के खुल के सामने आ रहे हैं, वो सब ने देख लिए हैं। आप नहीं समझते इतना बड़ा मार्च और पार्टी के लोगों की जागीर तरीन से नाराजगी, ये आपके इतने बड़े मार्च पर, इतनी बड़ी तहरीक पर असरअंदाज होगी, नेगेटिव असरात आएंगे इसके आपके लोगों के मार्च पर? अपना घर भी तो ठीक करें आप लोग पहले। एक बात तो अपने जेन में रख लें कि जहांगीर तरीन साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जिनको इमरान खान साहब ने बनाया है, खुद ब खुद वो सेक्रेटरी जनरल नहीं बने। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब पे 100% एतमाद है और जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब की क्यादत के ऊपर 100% एतमाद है। कतअन भी कोई ऐसी चीज नहीं है, ये प्री प्लान्ड हमारा नून लीग का जो मीडिया सेल और नून लीग के जो जितने जना वो जो उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है ना, उनको जना मटेरियलाइज करने के लिए वो लोग छोटी छोटी जो खबरें आ गए, यूथ भी नाराज है, पार्टी के नाराज हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट करके पेश कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। सब लोग जहांगीर तरीन साहब की क्यादत में भी जना मुतहद और मुतफिक हैं। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आपके ख्याल में मैं सवाल करूंगी कि अभी भी खान साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं, वो अभी भी वो चाह रहे हैं कि उनका साथ दें, लेकिन आखिर क्यों जमात इस्लामी, आखिर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आखिर क्यों पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक खान साहब के साथ चलने को तैयार नहीं? एक छोटे से वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद खुश आमदेद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। तलाल साहब, ये क्यों मुस्लिम लीग नून के लोग जो है रायवंड मार्च को दंगा फसाद मार्च बनाना चाहते हैं, क्यों ये डंडे लेकर सड़कों पर आ गए? क्या पीटीआई ने ऐसा कोई जेस्चर दिया है कि वो रायवंड जाकर हमला कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के घर तक जाएंगे? क्या आप लोगों को कोई ऐसा मैसेज मिला जो नून लीग के लोग जो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, इससे जरा थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नून लीग की ना पॉलिसी है ये, ना ये माजी में उन्होंने किया है, ना ये अब करेंगे। चंद एक नौजवानों के ये जो जज्बाती तौर पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं या इस तरह का रवैया अपनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है मैं जरा आपको वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये कोई रवायती जलसा का नहीं है रायवंड, हमेशा कोई मोची गेट हो, लाहौर का, पिंडी का लियाकत पार्क हो, फैसलाबाद का सूफी घाट हो, इस तरह के ये रवायती जलसा गाहे हैं जहाँ पे लोग जलसा करते हैं। लेकिन अगर आप खसूसन रायवंड का अनाउंस करें और फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह को टारगेट करें और एक परसेप्शन बनाए, रिहाइश गाह तक तो जाने की बात नहीं की ना उन्होंने, उन्होंने तो पीछे रहना है रिहाइश गाह तक तो। जी, मेरी गुजारिश मैंने आपको इसीलिए कहा, ये कोई रवायती जलसा गाह नहीं है। अगर रवायती जलसा गाह होती तो कोई भी इन्हें ना रोकता, ना कोई इस तरह की डिस्कशन शुरू होती। ये डिस्कशन शुरू कैसे हुई, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि नून लीग के जो लोग हैं, जब ये उन्हें महसूस होना शुरू हुआ कि शायद ये हमारे कायद के, लेकिन रायवंड किसी की कोई जाती जगह तो नहीं है ना, कमान तो कोई भी जा सकता है, एहतजाज जलसे करना हर एक का जमहूरी हक है। मैं भी आपको गुजारिश तरह पूरी होने नहीं दें आपको सारे सवालों के जवाब में। मैंने आपसे कहा है कि ये परसेप्शन जब उभरा कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर की रहाइश के पर जा रहे हैं या उसके सामने जलसा करेंगे या उस पर कोई हमलावर होने जा रहा है, तो उन लोगों ने इस तरह के जज्बात दिखाए। एक तो मैं आपको दोबारा कह दूं कि हमारे मरकजी कायदीन ने ये सख्ती से मना किया है कि ऐसा कोई काम ना बर्दाश्त किया जाएगा ना होगा, और हमने, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पंजाब ने भी पहले भी इन्हें सिक्योरिटी दी है, अब भी हम इन्हें सिक्योरिटी देंगे। हमारी एक गुजारिश है और मैं आपके थ्रू भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बात यह है कि इनकी जुबान कतरे कंट्रोल में नहीं है, फिर इनके कारकुन जो है वो बिफर जाते हैं, वो तो अपनी औरतों का इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं जबकि इनके खुद लोग जो है वो ऊपर स्टेज पर बैठे होते हैं, यानी रहनुमा बैठे होते हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा होता है। तो अगर किसी सिक्योरिटी तो आप लोगों ने दी हुई होती है ना, पुलिस तो पंजाब पुलिस होती है ना, सिक्योरिटी तो आप लोग देते हैं। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना सिक्योरिटी हम जलसा गाह के अंदर अगर कोई इनका कारकुन इस तरह की हरकत करे और फिर ये उनको पकड़ने भी ना दें
और अगर पर्चा दिया जाए तो उल्टा भी ये गिरफ्तार करने से भी रोकें, तो मेरा ख्याल है जरा आप थोड़े नाइंसाफी कर रही हैं। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ और ये कोई सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये धरने में भी होता रहा है, ये पेशावर में भी हुआ है जहाँ मेरी हुकूमत नहीं है, पेशावर के अंदर तो हमारी हुकूमत नहीं है, वो भी अपने मंजर देखें और आपके टीवियों ने दिखाया। गुजारिश ये है कि जिनके कारकुन कंट्रोल में ना हो, जिन रहनुमाओं की जुबानें कंट्रोल में ना हो। देखें हसन असकरी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, दो सवाल मुझे करने हैं। एक तो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ये जलसा गाह जो है रायविंड की रवायती नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर किसी ने जलसा करना हो तो हाकिम वक्त से पूछे और उसकी मर्जी से जलसा करे, वरना जलसा नहीं हो सकता? देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये रवायती जलसा गाह नहीं, मगर रवायती से क्या मुराद है आपकी कि वहाँ मेरी बात सुना है, अगर ये जलसा करना हर एक का है, अगर कोई कहे जी हम बनी गाला जाएंगे, हालांकि बहुत बड़ी जगह है, लेकिन परसेप्शन ये उभरेगी कि दो चार गलियां छोड़ के वहां इमरान का भी घर होगा। इसी तरह कोई कहे मैं हमने क्लिफ्टन जाना है, तो 70 क्लिफ्टन भी, इसका मकसद ये है कि शायद इस तरह का कोई प्लान बन रहा है। तो देखिए ना, बात से पता चल जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं या किस तरह का माहौल बना रहे हैं। मुझे बात मेरी गुजारिश, और हमने इन्हें हमेशा स्पिरिट दी। चलिए परसेप्शंस में तो माहौल खराब नहीं होना चाहिए ना तलाल चौधरी साहब, परसेप्शंस में माहौल खराब नहीं होने चाहिए। चलिए इसको छोड़ते, एक और सवाल आपसे मैं कर लूँ। आपने कहा है, आपने शिकायत की है कि जो पीटीआई वाले हैं उनकी ज़ुबान कुछ दुरुस्त नहीं है, इस किस्म की बातें करते हैं। पीटीआई वाले कहते हैं कि एन लीग की ज़ुबान दुरुस्त नहीं है, और जो हमने आज अखबारों में तस्वीरें देखी हैं वर्कर्स की, तो अगर वाकई आप समझते हैं कि आपकी पार्टी की वो पॉलिसी नहीं है, तो वो लोग तो नोन हैं आपकी पार्टी के लॉयलिस्ट, क्या आप उनको बराह रास्त कह सकते हैं कि अपने गंडासे को एक तरफ रखें और डंडे को फेंक दें? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चंद एक दफा हमारी जुबान में भी उसी तरह के अल्फाज निकलते हैं जैसे कि इमरान खान साहब हमें पुकारते हैं। ये मेरी जुबान भी, खसूसन अगर गंदी की है तो वो भी इमरान ने की है। मेरे भाई ने कहा कि रवायती जलसा गाह नहीं है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर का जो गेट है ना, वो रवायती जलसा गाह था। रियाज फतेहाना साहब का जो घर था ना, वो रवायती जलसा गाह था। केपी के असम्बली का जो गेट था ना, दीवार थी ना, वो रवायती जलसा गाह थी। और वो बीसियों पीपल्स पार्टी के MNA MPA जिनके पिछले 5 सालों के अंदर घरों के सामने मुजाहरे किए गए, वो रवायती जलसा गाह थी। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये गैर इखलाकी हरकत जो है वो स्टेज पे बैठे होते हैं या क्यादत तो नीचे होती हैं। और मेरा भाई, ओ खुदा का वास्ता है, आप कह रहे हो आपने फैसलाबाद के अंदर जनाब स्टेज पे खड़े होकर जो नऊज़बिल्लाह माज़अल्लाह जो अपने हाथों से हरकत और सकनात की हुई है सैकड़ों मुजाहरीन के सामने, आपको तो जचता ही नहीं है कि आप ये बात करें। आपको तो ये दरसे कुरान, ये दरसे हदीस, ये दरसे अखलाकियात, ये दरसे एथिक्स देना तलाल चौधरी के मुंह से जचता नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पीटीआई अपनी इंटरनल जो है वो डिसिप्लिन के हवाले से भी मामलात को तय करना जानती है, समझती है, और इंशाल्लाह हमने उसको पहले भी चेक एंड बैलेंस किया है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसके ऊपर प्रॉपर हमने डिसिप्लिन कमेटी बना के उस पर चेक एंड बैलेंस किया है। मुझे बताओ तलाल चौधरी साहब, आपने जो फैसलाबाद के अंदर जो है वो इशारेबाजी की थी, उसमें क्या आपको नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ने डांटा झपटा? क्या आपका एहतसाब हुआ? क्या आपसे पूछा गया कि भाई इतनी गंदी जनाब आपने इशारेबाजी की थी और आपने उसके बाद जाना कोई माफी मांगी? नहीं। अब जवाब ले लें जवान साहब, टाइम लिए जवाब ले लें जवान साहब, जवाब ले लें, आपके यहां ये वैल्यूज नहीं है, जवाब ले लें, जवाब ले लें तलाल साहब। एक तो मैं अपने भाई की बात का गुस्सा इसलिए नहीं करता कि इनके साथ पीटीआई वालों ने जो की है ना, वो अभी माजी का गवाह है। ये तो कुरान उठा उठा के कसमें देते रहे, मैं इनका क्या जवाब दूं? मुझे तरस आता है इन पे, ये बड़ी कोशिश करते रहे हैं ये टीवियों पे आके बात करने की। इनकी जो इज्जत अफजाई इन्हीं के लोगों ने की है, उसकी ट्विटर और फेसबुक गवाह है, तो मैं कम अज कम जाके ये अपनी वहां ना वो पिछली डेटों में देख लें, इतना ही इनके लिए जवाब काफी है। बाकी मैं आपसे अर्ज करूं, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, पूरा इनको ख्याल रखेंगे। मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक ये मैच्योर पार्टी बने। देखिए हम सबको ऐसी किसी, आप फिर हमारे प्रोग्राम के थ्रू जरा लोगों को मैसेज दे दें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो अपने जज्बात पे काबू रखें, डंडे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, एहतजाज करें। जी मैंने आपसे बात ही इस बात से शुरू की थी कि ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं, हम इन्हें ये करेंगे नहीं, अगर कोई करेगा तो उससे हम खुद निपटेंगे।
हमारी जमात की ना ये रवायत है, ना हम ये तशद्दद और ढंडों की सियासत करते हैं, पुरअमन रहेंगे और इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत जैसे इनको कोई कई सौ जलसों में इनको सिक्योरिटी देती रही है, हम अब भी देंगे। मेरी एक गुजारिश है, बस वो सुन लें, देखिए मेरी बात सुने, ये रवायत ना डालें कि किसी मुखालफ या लीडर के घर के बाहर या दफ्तर के बाहर आप जलसा करें, फिर वहाँ आप इश्तियाल अंगेज तकरीरें करें, उसके बाद आपके माहौल कंट्रोल में रह जाएगा। इनके पास कंट्रोल होता तो पीटीपी पे कब्जा ना होता। देखिए ये बात तो मैं भी कहती हूँ, व्हाइट हाउस के बाहर भी एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, वो किसी की जाती रिहाइशगाह तो नहीं है ना, वहाँ तो कोई भी, इतनी तो आप लोगों को आजादी देनी चाहिए ना, इतनी तो आजादी राय होनी चाहिए ना। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप। मुझे शाजिया एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट, हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात तो यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस जो है वो भी एक ट्रेडिशनल जलसा का डेस्टिनेशन नहीं होता है, जिन्होंने जो इन्होंने इख्तियार किया था कुछ साल पहले। बिल्कुल। तीसरी बात, जो आपने बड़ा अच्छा एक सवाल कहा था शाजिया, आपने कहा था कि जमात इस्लामी को पूछें, पीएटी को पूछें, इन लोगों को पूछें, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ रिगार्डलेस आप किस पार्टी के हैं, मुझे दो सवाल का जवाब दे दें, कोई भी आप हो, क्या आप मर्डर शुड गो अनपनिश्ड, क्या आप फ्रॉड शुड गो अनचैलेंज्ड, ये अगर दो सवाल का जवाब दे दे ना, किसी को कत्ल करो और कोई इंसाफ ना हो, किसी को फ्रॉड करो और कोई अनचैलेंज ही ना हो, अगर ये दो चीजें आप नहीं मानते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप सबको जाना चाहिए इधर, रिगार्डलेस कौन हो कोई नहीं हो। ये पीटीआई का ये जो डिमांड है कि मॉडल टाउन, वो जो फ्रॉड का और पीएटी का जो मॉडल टाउन का है, वो एक यूनिवर्सल डिमांड है, इट मस्ट बी यूनिवर्सल, आप समझ गई ना, ये एक पार्टी का डिमांड नहीं है, ये अवाम का डिमांड है। और मैं तो हैरान हो गया हूं, ये दूसरे पार्टीज कहते हैं वो मुझे कोई कहता है वो ठीक से नहीं पूछा, दूसरा कहता है यार मुझे ऑफिशियली नहीं पूछा गया। और लाल चौधरी साहब हमारे साथ रहे, लाल चौधरी साहब हमारे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, चौहान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नाज़रीन वापस आते एक छोटे से वक्त हमारे साथ, ब्रेक के बाद खुश आमदीद हसन असगर साहब। अभी भी खान साहब की कोशिश है कि उन्हें दूसरी अपोजिशन जमातें, जहाँ पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, पैट है, उनकी हिमायत हासिल हो जाए, लेकिन क्या वजह है कि कोई भी जमात खान साहब के साथ प्राइवेट मार्च में चलने को तैयार ही नहीं। देखिए कोशिश तो उनकी अब भी यही है, चार पाँच दिन का मार्जिन मिला है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इम्कानात बहुत कम हैं कि ये पार्टियां आएं, उसकी मखसूस वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकेगा। पहले ले लीजिए पीपल्स पार्टी को मुख्तसरन में आपसे कहूँ, पीपल पार्टी इनके साथ नहीं आएगी, उसकी है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसलिए कि एक वक्त था कि पीपल पार्टी या नंबर वन पार्टी होती थी या नंबर टू पार्टी हुआ करती थी, और इस वक्त जो है सही अपोजिशन पार्टी का रोल जो है वो पीपल पार्टी से शिफ्ट होकर तहरीक इंसाफ के पास चला गया है, और पीपल पार्टी के लिए साइकोलॉजिकली इमरान खान की लीडरशिप में एक तहरीक चलाना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जिसे पीपल पार्टी क्रॉस नहीं कर सकती, और वो कोशिश ये करेगी कि अपनी दुकान अलहदा चलाती रहे, और उन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी जो किया है। अब आ जाइए पैट पे, जो है इनकी अपनी ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी, ताहिरुल कादरी साहब ने दो कश्तियों में पांव रखे हुए हैं, एक कश्ती है उनकी जो इस्लामी यूनिवर्सल इस्लामी तहरीक है, बैन अल-अक़वामी तहरीक है, बड़ी मजबूत तहरीक है और उसमें पैसा भी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ है इनकी सियासत पाकिस्तान के अंदर। दोनों के तकाजे क्लैश करते हैं, सियासत के तकाजे हैं कि वो पाकिस्तान में रहें, तहरीक के तकाजे हैं कि वो इंटरनेशनल शटल करें, तो उसकी वजह से लगता ये है कि वो सियासत में आके कुछ काम करते हैं और उसके बाद असल मिशन पे चले जाते हैं। जमात इस्लामी पे आइए, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में इनके साथ है, लेकिन यहाँ पंजाब में साथ इसलिए नहीं देगी कि पंजाब की जो जमात इस्लामी की लीडरशिप है, खासकर शहर लाहौर की जो लीडरशिप है, वो जो है पीएमएलएन के काफ़ी करीब है, और हमने ये देखा है कि उनके कैंडिडेट जो हैं जमात इस्लामी के लाहौर के कैंडिडेट
PMLN को सपोर्ट करते हैं, PMLN वाले उनको सपोर्ट करते हैं, में भी इन्होंने इलेक्शन, आजाद कश्मीर में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो लाहौर शहर की जमात इस्लामी की जो क्यादत है वो चूंकि इसके हक में नहीं है, लिहाजा जमात इस्लामी भी एक फासला रखेगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, अगर हुकूमत, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत एक कोशिश, मुझे बात चौहान साहब एक मिनट, आ रही हूँ आपकी तरफ भी आ रही हूँ, मैं इस तरह तलाल चौधरी साहब से सवाल कर लूँ, अगर वाकई हुकूमत चाहती है कि खान साहब रायवंड तक ना जाएं, रायवंड मार्च की नौबत ही पेश ना आए, तो क्या हुकूमत खान साहब को PTI को कोई ऐसी पेशकश नहीं कर सकती कि पनामा लीक्स पर आए, बैठें, मुजाकरात करें, मिल बैठकर इस मसले को सॉल्व कर लिया जाए, ये एहतजाज जल से जुलूसों की रायवंड मार्च की नौबत ये ना, एक और सवाल पूछ लें उनसे, जी जी, ये एक और सवाल मेरा उनसे पूछ लें कि क्यों इन्होंने नौबत यहां तक क्यों आई, अगर मैं पूछ सकूं। हां पूछे पूछे, अगर मैं तलाल साहब को एक और सवाल जल्दी से पूछ लूं कि क्यों नवाज शरीफ साहब खुद मुस्लिम लीग को लेके फारूक लगारी के घर पहुंचे चोटी जरी में, आपको पता है उन्होंने चोटी जरी में फारूक लगारी के घर पहुंचे और कहने लगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जो तुम मांग रहे हो मेरे साथ, और फारूक लगारी किसी मर्डर चार्ज पे नहीं था, उसके खिलाफ पैनामा स्कैंडल नहीं था, कहने की बात यह है ये खुद करते हैं और अब लोगों को कहते हैं कि तुम मैं कर सकते हो, इस किस्म का मुनाफकत एवरी डे ये आप देखते हैं। तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, लाली साहब ने अगर जिंदगी में चंद गलतियां की हो तो मेरा ख्याल ये अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा ये गलती ना करना, लेकिन बेटों को ये नहीं कहेंगे कि बेटा मैंने की थी तुम भी करना, तो अगर किसी से कोई गलती हुई हो तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप उस गलती को दोहराएं और उस गलती को रवायत बना दें। और दूसरी बात मेरी गुजारिश ये है कि इन्होंने मार्च करना ही करना है, ये मार्च से रुक नहीं सकते, इसलिए नहीं रुक सकते। अगर आप कोई मुनासिब सी पेशकश करें, मुजाकरात क्यों नहीं, तो पनामा लीक्स पर इंसाफ चाहिए। आराम से मैं सबकी आराम से बात सुनता हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए धांधली के इशू पे भी हमने बहुत कुछ इन्हें ऑफर किया था, इनकी समझ में नहीं आया, इनकी समझ में फिर जब बिल्कुल थक जाते हैं तब आता है, अभी भी ये थकने वाले हैं थोड़े दिनों में, आप फिक्र ना करें, ये इंशाल्लाह इनकी समझ में भी आएगा, ये पार्लियामेंट के अंदर भी बैठेंगे, वहाँ फैसला भी होगा, वहाँ कमीशन भी बनेगा, लेकिन ये अपना जोश और जज्बा दिखा लें, इनका ख्याल है कि शायद कोई ऐसा शॉर्टकट से कोई रास्ता निकल आएगा, रास्ते जो है इलेक्शन से निकलेंगे। तो नून लीग की ये परसेप्शन बन चुकी है कि 2014 का धरना अगर कुछ नहीं कर पाया, हमें हिला नहीं पाया, तो रायवंड मार्च तो कोई चीज ही नहीं है। जोहान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखो शाजिया, बात यह है, पहली बात तो यह है कि मेरे इशू पे पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कमेटी बनी, पार्टी ने बाइज्जत तौर पे बहाल किया, पहले से ज़्यादा अच्छे अहदे पे मीडिया एडवाइज़र लगा दिया, काश नून लीग के अंदर भी एडवाइजरी कमेटी बनती जो नाजेबा हरकत जाना मेरा ये भाई जाना स्टेज पर खड़े होकर करता रहा उसके ऊपर इसकी कोई जाना कान खिंचाई होती तो मैं कहता कि पहली चीज़ नहीं मेरे पे बात की ना उसने, मैंने जवाब दिया शाजिया, एक मिनट, मेरे पे बात की है तो मेरा जवाब देना हक बनता है। दूसरी चीज़ आप मुझे बताएं, अभी हलाली साहब ने एक बात कही तो इन्होंने बड़े ठंडे ठंडे तरीके से कहा जनाब माजी का बच्चों को समझाना ये वो, और भाईजान अभी की बात करो, जमायमा खान साहिबा के घर कौन गया था, आप मुझे ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी की बीजेपी गई थी, आप मुझे ये बताएं जना आपके शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पर हमला किसने किया था, बांग्लादेश की हसीना वाजिद की अवामी लीग ने किया था। भाईजान आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 27 दिसंबर को जब 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, आपकी तमाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के पास शहबाज शरीफ की वो टेप्स मौजूद हैं जिसमें अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों को फोन कर करके इस नाम नेहाद खादमे आला ने कहा कि जाओ जाके जो है वो बसें जलाओ, रेलों की पटरियां उखेड़ो और काफ लीग के जो है वो घरों को जलाओ, उनके दफ्तरों को जलाओ। मेरा घर भी जला था, मेरा दफ्तर जो है उसी सहाने के अंदर। तो जनाबे वाला इस पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत गरी की, गुंडागर्दी की, फसाद की, तबाही और बर्बादी की सियासत का आगाज ये नून लीग का तुरा इम्तियाज है। फिर आप मुझे बताएं 80s के अंदर और 90s के अंदर तकबीर रसाला होता था सलाउद्दीन का और मुजीबुर रहमान शामी का होता था जिंदगी, उसमें अमरीकी बात इन्होंने जो है वो अपने मुखालफों के हवाले से नहीं की, ये पूरी हिस्ट्री है इनकी। आज हमें इखलाकियात का दर्स देते हैं और दर्स किसके जरिए से देते हैं, तलाल चौधरी, दानियाल चौधरी, ख्वाजा साहब, फला 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 फला, हाँ फोन छोड़ के भाग गया, ये बहुत बड़े तुरम खान बनते हैं, पहले चौधरी परवेज लाई की जो है वो गाड़ी के आगे नाच।
पानामा का इशू कई मुल्कों में पैदा हुआ, बर्तानिया के अंदर हुआ, आइसलैंड में हुआ, उन सब मुल्कों में विद इन 3 वीक्स ये मसला हल हो गया। हमारे यहाँ 4 महीने से मसला वही खड़ा है जहाँ ये आगाज जहाँ से शुरू था वहीं पे खड़ा है। तो ये इस वजह ये है कि हमारे यहाँ लोग रियलिटी को फेस नहीं करते, बल्कि अगर आपसे कहा जाए कि आप पे इल्जाम है, इसको आप क्लियर करें, आप इल्जाम क्लियर नहीं करेंगे बल्कि अटैक कर देंगे दूसरे कुर्सी का, जो कोई छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आएंगे, बात करेंगे अक्वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जा चुके हैं अमरीका, वहाँ कौन कौन से इशूज रेज होंगे एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हसन अस्करी साहब। एक और इल्जाम पाकिस्तान पर 17 फौजियों की हलाकत का, भारतीय जो 17 फौजी हलाक हो गया, और ऐसे मौके पर जब जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जा चुके हैं, जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है, और हम लोगों ने पाकिस्तान ने आवाज उठानी थी कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत मचाई भारत ने, और उल्टा पाकिस्तान पर इल्जाम डाल दिया गया, क्या कि वाकई कोशिश है उस बर्बरियत और जुल्म पर से आवाज खत्म करने की? देखिए इस वाकये की टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका आपने बड़ा वाजे तौर पे जिक्र कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की ये कोशिश रही है कि जो वहाँ जद्दोजहद हो रही है नौजवानों की, जिसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म से लिंक कर दिया जाए। कभी ये कोशिश की जाती है कि असल में इनके असल स्पॉन्सर जो हैं पाकिस्तान की चंद तंजीमों हैं वो इनको शह दे रहे हैं, कभी कोशिश ये की गई कि इनको दाइश से लिंक कर दिया जाए, वो भी नहीं हो सका क्योंकि ये नौजवानों की एक जेन्युइन डोमेस्टिक मूवमेंट है। अब ये है कि इस वाकये की वजह से अब फिर टेररिज्म के लेबल में जो है इस मूवमेंट का तस्करा इंटरनेशनल लेवल पे वो किसी तरह छुपाना चाहते हैं। और एक बड़ा दिलचस्प बात यह है कि अभी ये जो सुबह जो मामला हुआ है ख़त्म नहीं हुआ था, यानी वाकये को हुए, वाकये को रिपोर्ट हुए पे इंडियन टीवी पे या मीडिया में 2 घंटे हुए थे, अभी मॉपिंग अप ऑपरेशन चल रहा था कि उन्होंने तफसील देनी शुरू कर दी। हाँ। जरा सुनिए क्या तफसील उन्होंने हाँ। जो ये टीवी पे दी है, जिसको बाद में हुकूमत ने मीडिया जो दे रहा था कि जनाब वो 4 आदमियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, वो अंदर आए और आकर वो पहले वहां घूमते रहे। अच्छा, घूमते रहे उन 2 घंटों में इन्वेस्टिगेशन हो गई। देखिए वो घूमता वो तो 2 घंटे में हो ही नहीं सकती, कहानी पहले से बनी हुई थी कि वो घूमते रहे, फिर उन्होंने दीवार क्रॉस की और अंदर जाके ये कार्रवाई कर दी। सवाल ये है कि ये इतना फोर्टिफाइड इलाका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपके वहाँ फेंस बना हुआ है, और फेंस का हाल ये है कि लाइटें लगी हुई हैं, रात को लाइटें चलती हैं, मॉनिटर इंडियन आर्मी उसको करती है। फिर सबसे बड़ा जोक ये है कि बात ये बहुत सुबह की थी, सुबह के वक्त ये अगर वाकई ये बात सही है घूमते फिरते रहे तो वो सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी या तो कहाँ थी या तो वो इनके साथ मिले हुए थे हाँ। या सिक्योरिटी वहाँ नहीं थी। तो ये सब इन्होंने इसको कहानी को बिल्ड किया है इल्ज़ाम देने के लिए, बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, विद इन 2 आवर्स ये स्टोरी निकाल देते हैं। सही, जफर इलाली साहब, क्या प्रोपेगेंडा है जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर इस कहानी को सामने लेके आने का, पाकिस्तान पर मलबा डालने का, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने का, ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत की, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म की बात ही ना कर पाए? शाजिया, ये बड़ा अच्छा एक मौका है नवाज शरीफ साहब को, अगर उनके पास थोड़ा सा इमेजिनेशन है तो वो बड़ा अच्छा मौका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो इत्तेफाकन वो उधर पहुंच गए हैं ना जनरल असेंबली में तकरीर करने के लिए, अब इनको ये कहना चाहिए कि ये स्पीच को इनको इस्तेमाल करना चाहिए ये मौके को, और मैं कहता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्ती तारीखी स्पीच होना चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए UN जनरल असेंबली को कि मैं आप लोगों से इस मौके पे इस वक्त कहता हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ कि आप एक कमिटी बनाएं या UN जनरल असेंबली के मेंबर से या आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से, सब लोग एक एक आदमी रिप्रेजेंट करें और चलें जाएं आजाद कश्मीर जाएं और उधर जाएं और इन्वेस्टिगेट करें, नंबर वन। दूसरी बात, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में जो ये हुआ है इसको भी मेहरबानी से इन्वेस्टिगेट करें, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके रिकमेंडेशंस और इन्वेस्टिगेशंस पे अमल करूंगा। आई वांट टू कमिट माय कंट्री कि मैं इस पे अमल करूंगा, अगर हिंदुस्तान भी कहे आके एक
एक प्रॉमिस दे कि वो अमल करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका है हम बताने लोगों को कि भाई आर हार्ट्स आर क्लीन। मगर देखिए बड़ी जबरदस्त सजेशन है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं कैसे? ये प्राइम मिनिस्टर खैर दुआ करें आपका प्रोग्राम देख रहा होगा। तो दूसरी बात ये है, पाकिस्तान में नहीं होते जब देखते हैं, अब क्या देखेंगे वो जो है। नहीं मैं आपको एक चीज और बताऊं मेहरबानी से कि हिंदुस्तान का माइंडसेट देखें। वो 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 आपको औरतों को रेप करते हैं, वो लोगों को जान से मार देते हैं, वो लोगों को अंधा करते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं और फिर तकरीर करते हैं कि कोई किसी का हक नहीं है हमें कोई रिएक्ट करने इस बात पे। दे मस्ट बी मैड ना, ये पागल होंगे ना। जेटली उनका एक मिनिस्टर है, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा। भाई पाकिस्तान को आप आइसोलेट करेंगे, बर्बरियत आप कर रहे हैं और पाकिस्तान को आप आइसोलेट करेंगे। और हमारे इधर भी लोग होते हैं, हमारे दोस्त कल एक प्रोग्राम पे था, कहते हैं वही हर आदमी आपसे खफा है, आपके हमसाए मुल्क आपसे खफा है। उनको पूछो कौन से हमसाए मुल्क हमारे से खफा है और क्यों खफा है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान नहीं बनना चाहता था, अफगानिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तान शुड नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, वाहिद मुल्क जो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ वोट किया, खुदा के लिए इन लोगों की दोस्ती आप हासिल करना चाहते? इम्पॉसिबल। सही देखिए इसमें मेरा ख्याल यह है कि जो हिंदुस्तान ने स्टोरी चलाई है इस वाक़े की, वो क्रेडिबल स्टोरी नहीं है। वो उसकी जो गलत बातें हैं वो एक्सपोज हो सकती हैं। और हलाली साहब की तजवीज़ अच्छी तजवीज़ है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एक स्पेशल कमेटी जो है वो बनाए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये तजवीज़ दे दें। हाँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर मिशन लीगली मौजूद है पाकिस्तान में, तो वो ऑपरेट करता है, ला पाकिस्तान के कश्मीर भी जा सकता है। हिंदुस्तान ने उसके ऑपरेशन को रोका हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन दोबारा उस मिशन से कह सकती है कि वो हिंदुस्तान की तरफ जाके भी, पाकिस्तान की तरफ जाके भी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की जो रिपीटेड शिकायत हिंदुस्तान करता रहता है उसको जाके चेक करें, इन्वेस्टिगेशन करें और जो रिपोर्ट यूएन दे उसको दोनों मुल्क रिस्पेक्ट करें, दोनों मुल्क उसको इम्प्लीमेंट करें, यह झगड़ा खत्म हो जाएगा। हसन अस्करी साहब, एक आपको भी याद होगा 13 दिसंबर 2001 को जब भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। हाँ। उसके बाद भारत ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, सारी फोर्सेस उनके बॉर्डर पर आ गई थी, क्या इस बार भी ऐसा कोई खतरा? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो 13 दिसंबर 2001 के बाद और सारे रिलेशनशिप सस्पेंड हो गए थे, इस वक्त भी गालबन हिंदुस्तान इस वक्त मूड में था कि वो अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करे, लेकिन मोबिलाइजेशन इसलिए नहीं की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है। क्योंकि अगर वो ट्रूप्स मूव करते हैं तो ये बात एक्सपोज हो जाती कि हिंदुस्तान ने ट्रूप्स मूव किए हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इस पर शदीद एतराज़ होता, हिंदुस्तान का केस ज़ीरो हो जाता। तो इस दबाव की वजह से हिंदुस्तान ने उस किस्म का पोस्चर अडॉप्ट नहीं किया, वरना जो बयानात आए हैं, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर का बयान है जिसकी तरफ हिलाली साहब ने भी रेफ़र किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से आइसोलेट कर दिया जाए, इतनी बड़ी बात जो कही है वो आइसोलेट खुद इंडिया करने कोशिश करता। लेकिन हमने 2002 में देखा कि जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की वो फेल हुई। अक्टूबर 2002 को वहाँ के उस वक्त के वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब ने खुद फोर्सेस को विड्रॉ करने का फैसला किया, यूनिलैटरल फैसला था, उसके बाद पाकिस्तान ने भी विड्रॉ कर लिया। तो कोअर्सिव डिप्लोमेसी बार बार हिंदुस्तान की फेल हुई है, वो नाकाम रहेगी। बेहतरीन हल ये है कि जितने भी मुतनाज़े अमूर हैं उन पर गुफ्तगू शनीद की जाए और अग्रेसिव स्टाइल जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है वो अग्रेसिव स्टाइल जब तक तब्दील नहीं होगा, जब तक मोदी साहब इसी स्टाइल में रहेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई बामाने डायलॉग नहीं हो ऐसे, सकता। ऐसे मामलात पर पाकिस्तान पूरी दुनिया की हिमायत कैसे हासिल कर सकता है, कैसे अपनी लॉबी को? देखिए उसकी वजह यह है कि पहले तो हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको बड़ा क्लियर होना है कि इंडिया की तरफ रवैया क्या है। हमारा जो तरीकाकार है, हिंदुस्तान एक बयान दाग देता है, हुकूमत जो है वो चुपचाप बैठी रहती है, फिर दो दिन के बाद या तीन दिन के बाद हमारे फॉरन ऑफिस को होश आता है, फिर वो एक हल्का सा बयान दे देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि
एक चीज़ें जो है ना, ख्वाहिश अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर की कुछ भी ख्वाहिश हो, बिजनेस की ख्वाहिश हो, अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश हो, लेकिन मुल्की मफाद पे तरजीह नहीं दोनी। बिल्कुल, बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का डायलॉग मोदी साहब की हुकूमत के रवैये की वजह से नहीं हो सकता। पाकिस्तान को यही बात जो है इंटरनेशनली उठानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीर का मसला भी अब उठाना शुरू किया है, यानी इससे पहले हमारे फॉरेन ऑफिस को सांप सूंघा हुआ था, अब जाके थोड़ी सी होश आई है, अब काफी एक्टिव। लेकिन बात यह हिलाली साहब, जनरल असेंबली के फोरम पर कश्मीर का मसला उठाने के बाद क्या भारत होश के नाखून लेगा? बिल्कुल, देखिए ये डजंट मैटर अगर भारत ये करे या ना करे। मैं दो तीन दफे एक प्राइम मिनिस्टर के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गया, बड़ा उधर मौका मिलता है सब वर्ल्ड लीडर्स से मिलने, और खास तौर वो वर्ल्ड लीडर्स जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। और देखिए वन टू वन कॉन्वर्सेशंस में बहुत से चीजें होते हैं और बहुत सी चीजें आप कह सकते हैं। मेरा तो अपना ख्याल है कि एक और तकरीर, इसी तकरीर में जिधर वो ऑफर करते हैं कि पाकिस्तान विल एक्सेप्ट इफ इंडिया एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इन्वेस्टिगेटिव मिशन से, एक और चीज उनको कहना चाहिए, और वो ये है कि साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ वायलेशन हो हमारी टेरिटरी का या एयर स्पेस जो भी हो, तो फिर हम अपनी पूरी जोर से ये करेंगे। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब आप हर वक्त कहते, शायद हर वक्त नहीं कहती हैं, सॉरी, कभी कभी मैं आपके साथ अनफेयर हो जाता हूँ। आपने कभी कभी कहा है कि मैं जब कहता हूँ ये वो, मैं कुछ एक्सट्रीम होता हूँ। एक इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा है और आज मैंने पढ़ा है, 8 सेकंड लगते हैं जी, 8 सेकंड टू फायर अ रॉकेट, और 8 मिनट लगता है वो रॉकेट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। और जब ख्वाजा आसिफ को पूछे गया, और मुझे आज इंडिया टीवी ने ये मुझे पूछा, जब ख्वाजा आसिफ को पूछा गया कि आप जो वेपन्स हैं आप सोच सकते हैं इनको इंप्लॉयमेंट करने, डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करने पे, उसने कहा यस। और वो पहले चीज जो मुझे उसने पूछा, मैं वो जो इंडियन जर्नलिस्ट था, कि क्या आप ये समझते हैं ये हो सकता है? तो मैंने कहा व्हाट डिड माय मिनिस्टर से, तो उसने कहा यस। तो फिर मैंने कहा आर यू डेफ, क्या तुम बहरे हो, तुम सोच सुना नहीं क्या? तो कहने की बात सिर्फ ये है, ये भी विद कन्विक्शन, इसलिए मैं नहीं रहना चाहता इस दुनिया में अगर हिंदुस्तान के गुलाम हम बन के रहे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह है कि दो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक तरफ ये है कि अगर हिंदुस्तान इसी किस्म के प्रेशर को कायम रखता है पाकिस्तान पे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि डायलॉग की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान को उसी तरह फर्मली उसका जवाब देना ज़रूरी है, ताकि जो जिस तरह गुफ्तगू होगी उसी तरह उसका जवाब आएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये ऑप्शन ज़रूर खुला रखना चाहिए कि अगर एक रीज़नेबल अंदाज में मसाइल को हल करने के लिए गुफ्तगू मुमकिन है, तो पाकिस्तान ने हमेशा गुफ्तगू के ऑप्शन को खुला रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब और हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, नाइट एडिशन। शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।